दोस्तों काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी लीकेज से परेशान हैं। हिंदुस्तान में अगर मैं होंडा साइन की बात करूं या कोई ऐसा इंजन की बात करूं जैसे सीबीजेड एक्सट्रीम हो गया, होंडा साइन हो गई, और भी बहुत सारे इंजन होते हैं जिनके अपर कवर से लीकेज होती है। लीकेज होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अपर कवर में सिर्फ दो ही बोल्ट होते हैं और इन दो बोल्ट को टाइट करने की ट्रिक होती है। ये जो लीकेज की परेशानी जब इसमें आती है तो ये आती है एक ऐसी चीज की वजह से जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर हिंदुस्तान में काफी ऐसे मैकेनिक हैं जो लीकेज बंद करने की जगह वो और गाड़ी को खराब कर देते हैं। कैसे? वो खोलते हैं अपर कवर और अपर कवर खोल के इसकी बोल्ट जो होते हैं उसकी बोल्ट को चूड़ी की जो स्लिप हो जाती है और स्लिप करने के बाद उसको पीट के टाइट कर देते हैं, जिससे वो लीकेज तो बंद हो जाती है पर वो कुछ टाइम बाद क्या होता है दोबारा से गाड़ी में और परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि उसका जब आप किसी चीज को पीट के लगाओगे, चूड़ी स्लिप करोगे, तो उससे होगा क्या? उससे गाड़ी की और स्थिति खराब होगी। तो यही करते हैं मैकेनिक लोग। इसमें एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं कंपनी का एक बहुत बड़ा फॉल्ट यही है कि इसके अपर कवर के अंदर दो ही बोल्ट दिए होते हैं और वो दोनों ही बोल्ट जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के ऊपर टाइट होते हैं। वैसे तो एल्यूमिनियम के ऊपर सभी बोल्ट टाइट होते हैं पर वो जो दो बोल्ट जिस पर टाइट होते हैं बहुत हल्की चीज होती है। अगर वो गर्म गाड़ी में, ये जो गाड़ी है इसकी लीकेज आप बंद कर रहे हो और गर्म गाड़ी में अपने बोल्ट को टाइट कर दिया तो वो 100% स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें सिर्फ 22 रुपए की एक सील होती है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये सील, ये 22 रुपए की एक सील होती है। इधर एक लगी होती है राइट साइड में और एक इधर लगी होती है लेफ्ट साइड में। अब ये जो दो सील होती है, ये क्या होता है जब हमारी गाड़ी रोड पर चल रही होती है। अगर एक नई बाइक की बात करी जाए तो उस नई बाइक में सील आपको नहीं मिलेगी, लीकेज नहीं मिलेगी। बट अगर एक पुरानी बाइक की बात की जाए, 5 साल 6 साल पुरानी जो बाइक होती है उनमें लीकेज ज्यादातर मिलती है। क्योंकि ये जो रबड़ होती है, हम जब किसी बोल्ट पर टाइट करते हैं इस बोल्ट को, तो ये जो रबड़ होती है इस रबड़ के ऊपर ही बोल्ट हमारे टाइट होते हैं। अब जब बोल्ट टाइट होंगे तो ये रबड़ जो है दब जाती है, पिचक जाती है, और पिचकने के बाद क्या होता है हमारी जो लीकेज की परेशानी है, हम उस टाइम तो चलो एक तरह से हमने इस बोल्ट को टाइट किया, अब बोल्ट टाइट करने के बाद क्या हुआ, ये रबड़ पिचक गई और उसके बाद ये लीकेज सेट हो गई। बट हम इसको अगेन एंड अगेन खोलेंगे और उसके बाद फिट करेंगे तो क्या होगा, ये वापस से सेट नहीं हो पाएगी और उसकी गाड़ी में हमारा क्या होगा, जब हम बोल्ट को टाइट करेंगे तो बोल्ट एक्चुअली में रबड़ पे टाइट नहीं होगा, उसके नीचे जो लोहे की एल्युमिनियम फॉल दे रखी होती है उसके ऊपर टाइट होगा और ये जो रबड़ होती है इसके अंदर, ये रबड़ हमारी दब नहीं पाएगी, प्रेस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारी लीकेज आना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे ज्यादा रीजन ये होता है लीकेज यहाँ पे से होने का, क्योंकि ऑयल का जो फ्लो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अब ऑयल का फ्लो स्टार्ट होगा तो कॉमन सी बात है, ऑयल जो मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ज्यादा ऑयल इसमें लीकेज हो रखा है। इधर ये देखो, देख रहे हो ऑयल ही ऑयल आ रखा है और ये किधर, इधर कोने से ऑयल आ रखा है। अब ये जो इतना सारा ऑयल इसमें आ रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर एक तो ऑयल आने के बाद यहाँ पर साइलेंसर के पास जाएगा और साइलेंसर क्या करेगा, वो हीट करके वो स्मेल में बदल देगा, यानी कि जलने लगेगा। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम समझेंगे कि इसके लीकेज को कैसे बंद करते हैं। तो अभी हम टंकी उतारते हैं इसकी, पेट्रोल टैंक, और एक सही तरीका ऑयल लीकेज बंद करने का हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है, जिनको पता है और जिन जो इस गाड़ी से इस समस्या से उलझ चुके हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं इसकी पेट्रोल टैंक को उतारता हूँ, अपर कवर खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये लीकेज एक्चुअली में हो क्यों रही है। ओके, तो इसकी टंकी को खोलने के लिए हम सबसे पहले 12 नंबर की डिटो में लेंगे और इस बोल्ट को बाहर निकाल लेंगे, ये जो बोल्ट है हमारा, इस बोल्ट को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और पेट्रोल पाइप जो होता है हमारा उस साइड की तरफ, पेट्रोल पाइप वो हमने बाहर निकाल लिया है। और पेट्रोल पाइप बाहर निकालने के बाद हमें पेट्रोल ऑफ कर देना है, और पेट्रोल ऑफ करने के बाद हमें इस टंकी को बाहर निकाल लेना, कुछ इस तरीके से हैंडल हम सीधा कर लेंगे। ठीक है ना, और पेट्रोल पाइप हमारा निकल चुका है, चल गया, ये देखो पेट्रोल पाइप हमारा निकल चुका है, पेट्रोल हमारा ऑफ हो चुका है। और ये जो समस्या है इसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेट्रोल टैंक को खोलना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं पेट्रोल टैंक नहीं खोलते हैं और वो इसी तरीके से लगे रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, मतलब पल्टी कट जाती भी है देखा जाए तो, क्योंकि टंकी के नीचे थोड़ा गैप होता है उसके ज़रिए वो बोल्ट खोलते हैं और वो बोल्ट स्लिप होने लगता है। देखो ये वाला बोल्ट होता है और एक उधर वाला बोल्ट होता है, सेम बोल्ट होगा, ये दो बोल्ट होते हैं। पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से लीकेज नहीं हो रही है, यहाँ से भी लीकेज नहीं हो रही है, पर सबसे बड़ा मेन कारण जो होता है वो इसके अंदर जो सील लगी होती है, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सील, ये सील जो होती है इसी की वजह से आपकी गाड़ी में लीकेज होती है। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसके पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कैसे, इसको फटाफट खोलो भाई। फाइनली हमने इसका अपर कवर खोल लिया है, टंकी उतार ली है और साथ ही इसका जो कवर होता है ये हमने वॉश कर दिया तरीके से, कि इसके अंदर जो ये जो हॉल होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से जो हमारा BS वाल्व होता है, BS वाल्व, उस BS वाल्व के अंदर एक पाइपलाइन होती है यहाँ इस साइड से जो आ रखी होती है। अब ये जो है ये क्या करता है, ये हमारे एयर जो होती है गरम-गरम एयर, ये यहाँ से लेकर हमारे फिल्टर के द्वारा दोबारा इंजन को देता है। ये तो एक मैं इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आपने शायद देखी हो, क्योंकि ये भी बंद पड़ा था, इसमें गंदगी भरी हुई थी तो बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या करा इस ब्रश की मदद से ये पूरा क्लीन कर दिया इसको भी। ठीक है, क्योंकि हमने जब देखा कि लीकेज हो रही है तो लीकेज होने के बाद हमें जो चीज़ दिख रही है सामने से वो भी हम क्लीन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी ये जो चीज़ है तो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, लीकेज बंद करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट इस खासकर इस गाड़ी की लीकेज बंद करने के लिए बहुत छोटी से छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तीन तरीके की। पहला तरीका क्या होता है, देखो जब हम इस बोल्ट को टाइट करते हैं
मान लो कोई मैकेनिक है, अब इसकी लीकेज बंद कर रहा है, अब लीकेज बंद करने के लिए वो क्या करेगा, इस वाली जो रबड़ होती है, ये वाली रबड़, उसको ये लगेगा ये रबड़ ख़राब हो गई है। अब ये रबड़ ख़राब, वो देखेगा फटी तो नहीं है, कटी तो नहीं है। अब इस रबड़ को खुद देखो आप, यहाँ देखो इस रबड़ को खुद देखो, ये कहीं से फटी है तो मुझे बताना कमेंट करके। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये रबड़ बिल्कुल ठीक है और सबसे बढ़िया सॉफ्ट है। ठीक है, ये रबड़ अगर कटी होती, फटी होती या फिर बहुत हार्ड होती तो मैं कह सकता था ये रबड़ ख़राब है, बट एक्चुअली में ये रबड़ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लीकेज क्यों हो रही थी, और ये बोल्ट भी फुल टाइट थे, जो ऊपर के बोल्ट थे फुल टाइट थे। देखो होता क्या है, ये जो रबड़ होती है हमारी, कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी में यहाँ इस तरीके से लग जाती है। ठीक है, जब ऐसे लगती है ये रबड़, तो उस दौरान होता क्या है, इसको प्रेस करना पड़ता है रबड़ को। अब प्रेस कौन करता है, ये जो दो बोल्ट टाइट होते हैं, ये बोल्ट जब टाइट होते हैं तो ये रबड़ प्रेस होती है, मतलब दबती है, और उसके बाद लीकेज बंद होती है। जब ये बोल्ट टाइट होते हैं, बोल्ट टाइट होंगे कैसे, आपको थोड़ा पास आऊँ मैं समझाता हूँ। देखो अब इसके अंदर ये सील लगी होती है, ये पुरानी सीलें हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ लगी होती है, एक यहाँ लगी होती है और एक यहाँ लगी होती है। अगर ये सील दोनों ख़राब हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, ठीक है, अब ये जो सील होती है, ये सील हमारी गाड़ी की ख़राब हो जाएंगी, पिचक जाएंगी सीलें वाली। तो ये जब बोल्ट मैं टाइट करूँगा तो होगा क्या, ये बोल्ट टाइट करने से यहाँ पर जो ये जो ये बोल्ट, देखो सबसे पहले इस बोल्ट को देखो कैसा हो रखा है। जब मैं इस बोल्ट को टाइट करूँगा तो ये बोल्ट टाइट होगा ही नहीं, हमें लगेगा ये टाइट यहाँ से फुल हो गया है, बट एक्चुअली में ये टाइट करने पर ये जो सील होती है, यहाँ की जो रबड़ होती है, वो प्रेस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब इस बोल्ट को टाइट करेंगे तो इस बोल्ट को टाइट करने के बाद हमारा ये जो इसका मेजरमेंट, देखो इस मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस मेजरमेंट में ये चीज़ शामिल हो जाती है। जब ये चीज़ शामिल होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी साइज है वो इतना हो जाएगा, उसके बाद इतने मेजरमेंट में ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर ये फुल टाइट हो जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे करके। अब जब मैं इसको ऊपर से टाइट करूँगा तो ये बोल्ट यहाँ से टाइट होगा, ठीक है, पर होगा कि ये जो रबड़ होती है ये लूज रह जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी सील है ये पतली हो गई है, ये मोटी नहीं है। अब वहीं पर ये चीज़ जब अगर मैं टाइट कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ वार्सल लगा देते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं जो वार्सल लगा देते हैं। वार्सल से भी वो चीज़ कामयाब नहीं होती है, टेम्परेरी जुगाड़ हो जाता है, पर बाद में आपकी गाड़ी में होगा क्या, ये चूड़ी स्लिप हो जाती है। मान के चलो मैं इस बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये जो एल्यूमिनियम, देखो अब इसको पास आकर देखो, ये देखो ये चूड़ी देखो किसमें लगी हुई है, इसमें लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, ठीक है। अब मैं इसको टाइट करूँगा इस तरीके से, इसमें मुझे लगेगा बोल्ट टाइट फुल टाइट कर दिया है और उसके बाद भी लीकेज हो रही है। फिर मैं क्या करूँगा, बोल्ट को थोड़ा ज़्यादा ऐंठूँगा और ज़्यादा ऐंठती बोल्ट स्लिप हो जाएगा, चूड़ी हाथ में आ जाएगी, और ये ही होता है अक्सर मैकेनिकों के साथ। बट एक्चुअली में होता क्या है, हमें ध्यान देना पड़ता है इसकी, ये जो इसका मेजरमेंट है इस पर ध्यान देना पड़ता है हमें। ये वाला जो पार्टिकल है, इतना ही पार्टिकल में हमको क्या करना है, इसकी लेंथ को कम करना है। इसकी लेंथ को कम करने के लिए हम इसकी सील लगाएंगे, और सील लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, सील नई सील होगी तो। और उसके बाद जब इसको टाइट करेंगे हम ऐसे करके, तो ये पूरा फुल टाइट हो जाएगा और इसकी जो लेंथ है ये ही फुल टाइट कर देगी इसकी वजह से। अब ये जो नीचे की सील है ये ऑटोमेटिकली फुल टाइट हो जाएगी। अब जब ये दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी लीकेज बंद हो जाएगी। इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता है लीकेज बंद करने के लिए, और इसमें खर्चा मुश्किल से मुश्किल 150 रुपये आता है मैकेनिक की लेबर के इंक्लूड करके, बाकी वो डिपेंड करता है किस तरीके से कर रहा है। मैं अगर बताऊँ अपने लीकेज बंद करने का प्रोसेस जो होता है मेरा, अगर मैं इस लीकेज को बंद करता हूँ एक बार बंदे से, मैं जो देखो डिपेंड करता है गाड़ी के अंदर कितनी मेहनत लग रही है। अगर मुझे लग रहा है ज़्यादा ही मेहनत लग रही है तो मैं 350 रुपये लेता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कम मेहनत लग रही है तो मैं 150-200 रुपये लेता हूँ, किसी किसी से 250 रुपये लेता हूँ। बट मैं जब इस काम को करता हूँ तो मैं पूरे 6 महीने की गारंटी देता हूँ कस्टमर को कि भाई अगर कोई बाई चांस ये जो लीकेज मैं बंद कर रहा हूँ, रेल लीकेज दोबारा से गाड़ी में आ गई, तो मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करूंगा, 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा। अब ये डिपेंड करता है उस गाड़ी के अंदर चूड़ी स्लिप है या नहीं है, जो भी उसकी चीज़ बढ़ते जाती है उसका खर्चा बढ़ता जाता है। मैक्सिमम 350-400 रुपये खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है खर्चा, बाकी डिपेंड करता है उसके इंजन की पूरी कंप्लीट जो उसकी एक प्रॉपर फ्लो होता है ना, उसकी लीकेज कितनी ज़्यादा मात्रा में है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और, आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लीकेज तो मैं बंद कर ही दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो नकली बोन लगाते हैं, हरे नीले पीले बोन लगाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा घटिया बोन होते हैं। अगर आपको बोन यूज़ करना ही है तो बोन आप वाटर यूज़ करो, वाटर वाला बोन यूज़ करो, जो ट्रांसपेरेंट बोन होता है, जो रबड़ की तरह होता है, वो यूज़ करो। वाइट कलर का बोन ना यूज़ करें, उससे क्या होता है आपकी गाड़ी में या साइड से पपड़ी जम जाएगी और बाद में वो बोन इतना हार्ड हो जाएगा कि आपके पेंट को ही उखाड़ देगा वो बोन। वो आप रेजी बॉन्ड यूज़ करो, व्हाइट कलर का बॉन्ड सबसे बेस्ट होता है। मैं खुद पर्सनली इसको खुद यूज़ करता हूँ, वो बॉन्ड इतना कंफर्टेबल होता है कि हम उसको हटाना चाहूँ तो आराम से इजीली हट जाता है। और सबसे लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो फेस आप देख रहे हो, इस फेस को जब भी आप लीकेज बंद कर रहे हो, इस फेस को पूरा प्रॉपर क्लीन कर लें। अगर आप चाहो तो इसके अंदर बिना बॉन्ड लगाए ही लीकेज बंद कर सकते हैं, बॉन्ड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है तो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगर आपको ये लीकेज की परेशानी आप खुद फेस कर रहे हो, आपने करी थी, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई गाड़ी में परेशानी है और आपको सही नहीं हो पा रही है आपकी, तो यहाँ पे आके आप दिखा सकते हो, व्हाट्सअप से एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।